दिस इज रियल लाइफ और मैं हूँ मधुमिता। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा ग्रोसरी हॉल वीडियो और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इन दिनों में मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं जितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे वैसा वीडियो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसके बाद मैं जैसे कि व्लॉगिंग वीडियो या और कोई वीडियो जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं यहाँ क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, क्या क्या यूज करती हूँ ग्रोसरी, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं इंडियन प्रोडक्ट यूज करती हूँ या यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो यूज करती हूँ वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। पर ये जो ग्रोसरी वीडियो है मतलब बहुत सारे होता है ग्रोसरी, तो एक आइटम नहीं होता है, बहुत होता है, तो वो एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ये पार्ट में मैं शेयर करूंगी। पहला पार्ट ये है तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बाकी जो पार्ट है मैं बाद में शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं मेरा ग्रोसरी हॉल वीडियो। पर वीडियो आने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ग्रोसरी हॉल वीडियो। तो ये है मेरा कुछ ग्रोसरी जो कि मैं कुछ देर पहले खरीद के लेकर आई हूँ और ये तो पूरा ग्रोसरी तो है नहीं, जितना भी है अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सॉल्ट और अमेरिकन गार्डन का आयोडाइज सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ और ये हमेशा से मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है ये सॉल्ट। तो नेक्स्ट जो है ये है बैरिला का स्पैगेटी। हम लोग जब स्नोडल खाते हैं तो इसी से बनाते हैं, पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये है कुछ चटपटा मतलब भेल, आप कह सकते हो भेल पूरी और मुरमुरा झालमुड़ी कहते हैं। ये भेल पूरी गणेश का है और ये चटपटा कभी कभी टी के साथ हम लोग खाते हैं। और ये है नेस्ले का मिल्क मेड, ये तो मैं हमेशा से मतलब खरीदती हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ बनाती भी हूँ और ये फैट फ्री भी है। और ये है डेट्स जो कि मैं भगवान को मतलब मेरे जो ठाकुर है उसको मैं चढ़ाती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ, रोज़ मैं ये खजूर जो है डेट्स है जो ये देती हूँ। और ये है चिंग्स का डार्क सोया सॉस जो कि बहुत यूज़ होता है। और ये है फ्रूट्स एंड नट्स से भरा हुआ मोस्टली है और ये ब्रेकफास्ट में कभी कभी मेरे हस्बैंड लेते हैं, मैं भी कभी कभी खाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा, ये घर में रखती हूँ मैं। और ये है मेरे बेटे का हेल्थ ड्रिंक ओवाल्टीन, ये भी बहुत टेस्टी है, चॉकलेट फ्लेवर का है। चाय के साथ मैं जो बिस्किट लेती हूँ वो ये है मारी गोल्ड, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है और हमेशा से मैं ये बिस्किट लेती हूँ और ये 6 पैक का आता है तो एक साथ मैं खरीद लेती हूँ। और नेक्स्ट है ये स्नैक्स और ये पानी पूरी है, आप देख सकते हो ये गणेश का है पानी पूरी, ये बहुत टेस्टी भी है तो ये भी मैं कभी कभी रखती हूँ घर में। मेरे हस्बैंड चाय के साथ जो बिस्किट लेते हैं वो है ब्रिटानिया का डाइजेस्टिव बिस्किट, तो ये है और ये भी मैं घर में रखती हूँ, टिफनी का ओट्स विला, बहुत ही अच्छा है ये बिस्किट, ये चॉकलेट फ्लेवर का है। और ये है चॉकलेट चिप्स बिस्किट और ये मेरे बेटे दूध के साथ खाते हैं, ये उसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये है नेस्कॉफी, ये हम लोग खरीद के रखते हैं, मैं वैसे ज़्यादा कॉफ़ी तो पीती नहीं हूँ फिर भी घर में रखती हूँ। ये है अमेरिकन किचन का ब्रेड क्रम्स और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ घर में, तो चॉप वगैरह बनाती हूँ तो ये बहुत ही यूज़ होता है मेरे घर में।
और इसके बाद जो है ये है टिश्यू बॉक्स। ये टिश्यू ऐसा नहीं है कि यही कंपनी का टिश्यू बॉक्स यूज़ करती हूँ, बहुत सारे कंपनी का यूज़ करती हूँ, तो फिलहाल तो मैं ये खरीद के लेकर आई हूँ, तो ये भी अच्छा है टिश्यू बॉक्स। और ये है स्लाइस ब्राउन ब्रेड, और ये एक लोकल कंपनी का ब्राउन ब्रेड है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और लास्ट में है ये श्रुति कोलम राइस, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम लोग हमेशा से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा राइस है ये। जब से हम लोग ये शुरू किया है 5-6 साल से हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये राइस खाते हैं, तो ये इतना अच्छा है कि हम लोग कभी दूसरा राइस ट्राई तो किया है पर ये हम लोग को बहुत पसंद है। इतना छोटा छोटा चावल है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ग्रॉसरी हॉल वीडियो, और ये पार्ट वन है, मैं फिर मेंशन कर रही हूँ ये पार्ट वन है, ये सिर्फ नहीं है और भी पार्ट आएगा, तो वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।